वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 का है, इसका 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत आसान है, साबित करने का तीन तरीका बताए थे, इधर से चल के ये ला दीजिए चाहे इधर से चल के ये ला दीजिए, और नहीं तो दोनों को ऐसे बनाइए, अगर नीचे दोनों का आंसर सेम आ गया तो भी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कुछ ऐसे ही तरीका कहते हैं, बायां पक्ष को और दायां पक्ष को, बायां पक्ष को और दायां पक्ष को दोनों को बनाते चलते हैं, अगर नीचे का सेम आ गया तो समझिए ये क्या हो गया, साबित हो गया, यानी प्रूफ हो गया कि ये क्या है, सही है, दोनों आपस में बराबर है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए कॉसेक है और यहाँ है साइन, यहाँ सेक और कॉस है। कुछ दिमाग में आ रहा है, कॉसेक का उल्टा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अपोजिट होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो कॉसेक को बदल दो साइन में, 1/sin होता है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin माइनस, इस साइन को साइन ही छोड़ दो, ठीक है। इसमें भी किसी एक को बदलो, अगर बदलना चाहते हो तो इसको बदलो, 1/cos होता है सेक थीटा बराबर, और माइनस कॉस ए, इसको वैसे ही उतार दो, ठीक है। हम सिर्फ एल एच एस चल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, ये फॉर्मूला का ट्रिक आप जाके प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, एक से एकाल जबरदस्त ट्रिक बनाया गया है। अगर आप ट्रिक को मिस करेंगे तो एग्जाम में बहुत सारे नंबर को मिक्स कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूला ही डाल देता है, पूछेगा ये किसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको पूरा रटना पड़ेगा, त्रिकोणमिति बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा उसका, फॉर्मूला याद कीजिएगा, साइन का फॉर्मूला ही भूल जाएगा, लेकिन उसका ट्रिक हम बनाए हुए हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट खोल करके चेक कीजिए जबरदस्त तरीका से। ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है ना कि बटा का घटाओ, ये भी बटा का घटाओ, कर दो ना बटा का घटाओ, 1 मान के इसका एलसीएम निकलेगा तो साइन ए हो जाएगा, और इसमें भाग दीजिएगा 1 माइनस, इसमें भाग दीजिएगा तो साइन ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ देखिए, इसका भी एलसीएम 1 मान के निकलेगा तो हो जाएगा कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपको एक बताए थे 1 वाला फॉर्मूला, स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम बताए थे स्क्वायर ग्रुप का, ऐसे लिखे थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आ यहाँ क्वेश्चन है 1 माइनस साइन, यानी 1 के साथ क्या है साइन है, एक बार 1 के साथ साइन भेजिएगा क्या बच रहा है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बचेगा, इधर अकेले बेचारे कॉस से बचेंगे, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी प्लस में था इसके पास भेजे तो माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर ए इसके जगह पे, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है, यहाँ हो जाएगा साइन ए, इतना आप समझ में आपको आया होगा। ब्रैकेट को हटा दीजिए ऐसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, यानी एक बार 1 के साथ अगर कॉस जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस साइन होता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब बटा में ये कॉस है तो कॉस लिख दो, ठीक है। यहाँ कॉस कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 है तो 1 से 1 खत्म हो गया, तो 1 कॉस बचेगा। अब यहाँ 2 लिख के कटाइए चाहे इसको कटाइए, साइन से एगो साइन कट गया, ऊपर एगो कॉस बचा, और एक क्या बचा इधर इनटू में, एक बचा क्या साइन ए, इतना हमको मिला। अब इसको बनाने चलते हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हो इज इक्वल टू, अगर है तो लिख सकते हो, 1 का 1 लिख दो, साइन थीटा हमको क्या लाना है, हमको लाना है कॉस और साइन, तो जो आपका 10 दिया है 10 को कोशिश कीजिए किसमें बदलने का, साइन या कॉस का रूप, कोई है ऐसा फॉर्मूला तो होता है ना, 10 बराबर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, अब प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, लेकिन एक गड़बड़ काम हो गया, गड़बड़ क्या हुआ, थीटा के जगह पे ए दिया है, तो ये आप लिख लीजिएगा, अब थीटा का आदत हो जाता है। यहाँ देखिए बट्टा में 1 है तो ऊपर 1 ही लिखिए, और इसका लग रहा है ना बट्टा का जोड़ जैसा यहाँ पे, ठीक है, तो जब बट्टा का जोड़ जैसा लग रहा है तो एलसीएम निकालिए ना इसका, कॉस साइन का एलसीएम कितना होता है, कॉस और साइन, जिसका एलसीएम नहीं होता है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन, तो लिख दीजिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस, इससे डिवाइड करने से साइन खत्म, बचेगा कॉस, और ऊपर भी कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ इसको सॉल्व करना है, यहाँ बट्टा है, मेन बट्टा है, और उसके बाद ये छोटा वाला बट्टा है, तो जहाँ मेन बट्टा होता है उसके नीचे 1 मानेंगे, तो 4 को हिस्सा हुआ, 1, 2, 3, 4, तो ऊपर नीचे, ऊपर और बीचे बीचे नीचे होता है, क्या बोले हम, ऊपर और नीचे, ये दोनों चला जाएगा ऊपर और दोनों बीच वाला आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के
वन और कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चला गया और दोनों बीच वाला क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा नीचे। ये गुणा करने पर इतना ही रह जाएगा कॉस ए इंटू या गुणा दोनों बात एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा छिपा है ठीक है। आइए साइन ए, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अभी लिखे थे क्या होता है वन होता है, और एक चीज बता दे कि नीचे वन नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि दुनिया के सारा नंबर के नीचे सब किसी के नीचे एक छिपा, आपके भी नीचे एक छिपा होगा। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आप एक बार है, अगर आपके नीचे दो छिपा रहेगा दो लिख दें तो आपको दो हिस्सा में काटना पड़ेगा, तो ये एक ही बार ना लिखा है, तो एक नीचे लिखो चाहे मत लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है। तो साइन ए, आप बताइए इधर भी वही आया और इधर भी वही आया, यानी एल एच एस में भी वही आया और आर एच एस में भी वही आया, तो लिख सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.5 के 5 का इम्पोर्टेंट वाला लास्ट, तो देखते हैं बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन।